दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार आईटीआई का आप एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कीजिएगा। जी हाँ, बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, मतलब अगर आप आईटीआई में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए, लिख के टेक्टोन जॉब, इस तरीके से आपको लिखना है टेक्टोन जॉब, आप लिख के सर्च कीजिएगा। बाय द वे इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा, सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सारा आपको अपडेट मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ एडमिट कार्ड का, देख सकते हैं बिहार आईटीआई एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, देख सकते हैं लिंक दिया गया है। वीडियो दो तीन दिन बाद देख रहे हैं, एक या दो दिन बाद देख रहे हैं, तो नीचे लिंक दिख सकता है, खोज के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस खुल जाएगा, सारा डिटेल आपको इसमें दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका सारा डिटेल दिया गया। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 18 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का देख सकते हैं यहाँ पर लिंक दिया गया, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारा अपडेट एक ही जगह आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको बौखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक के नीचे आपको स्क्रॉल करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ एडमिट कार्ड डाउनलोड क्लिक हेयर का, तो सिंपल आप क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड DOV क्लिक हेयर, तो सिंपल आप क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इस तरह से पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपके एप्लीकेशन में होगा, जो आप ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे उस रिसीविंग में होगा। डेट ऑफ बर्थ का डेट डालना है, मंथ डालना, ईयर डालना एंड सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा, आप इस तरीके से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा वहाँ पर देख सकते हैं आपको साफ साफ लिखा, जो नोटिस है उसमें साफ साफ लिखा आपका 13 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आज 9 जून है तो 13 जून को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सेम प्रोसेस की मदद से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू होता है, डाउनलोड होना लिंक एक्टिव होता है तो मैं आपको बता दूंगा और वीडियो के माध्यम से समझा भी दूंगा। तो मिलती हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।